सब आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं। सो आप देख रहे हैं बाजी का घर कितना खूबसूरत है और हम लोग के दिन इतने प्यारे जा रहे हैं यहाँ पर हर दिन। और बाजी इतनी मेहनत करके इतने प्यारी प्यारी डिशेज बनाती हैं और बच्चों को देख रहे हैं आप पूरे के पूरे फुल मस्ती में रहते हैं, इतना मस्ती करते हैं आप आगे देख सकते हैं। ये हादी भाई हैं शीरी नायमा के, आयशा का फेस आप देखे होंगे आप लोग ने, कैसा लगा जरूर बताइएगा। आयशा का फेस दिख चुका है आज सबको। सब कितना बिजी हैं अपनी लाइफ में। किसे लाया ये बता, किसे लाया? अच्छा वो शहडोल की पत्तियां हैं चाहे तो। ये हॉल है बाजी के घर का, काफ़ी बड़ा है और बहुत पूरा वक्त यहीं गुजरता है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हंसना बोलना सब कुछ बाहर हॉल में ही सब लोग करते हैं तो बहुत मतलब अच्छा टाइम स्पेंड होता है। ये बाहर का है, सो नाइट हो चुकी थी और ये देखिए बच्चे मिल्क पी रहे हैं, हादी शीरीन आयशा सभी लोग पी रहे थे। और ये वही गिलास है जो हम लोग ने गिफ्ट में दिया है कांच वाले जो हैं, इन लोग को काफ़ी पसंद आए, बच्चे वगैरह को भी माशाल्लाह काफ़ी पसंद आए क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं। और बच्चों को दूध देना है तो कांच के ही मग में देना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह या किसी उसमें नहीं देना चाहिए। और कुछ शौक होता कभी में कभी आप दे सकते हैं बट बड़े हो जाएँ तो बच्चों को कांच में, छोटे बच्चे तो ऐसा होता है कि फोड़ देंगे या कुछ भी तोड़ देंगे, तो बड़े बच्चों को ज़्यादातर हो सके तो कांच के मग में दीजिए। और देखिए इन लोग की नायमा साकिब की मस्तियाँ, नायमा के साथ साकिब हो गया है तो बहुत ज़्यादा दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं। आप और भी व्लॉग में मेरे देखेंगे आगे भी कि दोनों ने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया और इसी तरीके से दोनों ने काफ़ी मस्तियाँ किया है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और नायमा साकिब को डांस सिखा रही है, खुद से म्यूज़िक गुनगुना रही है, सो बहुत इंजॉय करेंगे आप भी देख के। आ जाओ आ जाओ, सिखाओ ना बेटा साकिब भाई को, उसको भी मैं सिखाऊंगी नहीं। आ जाओ, हाँ चलो करो करो साकिब करो बेटा नायमक साथ। कोई बात नहीं, मैं तो इसमें देख रही हूँ, इनको भी दे दी उसी में। अच्छा बोल रही है मेरे को क्यों नहीं दी, हाँ। में। आप कल से देखूंगी। हाँ तो कल बना लेंगे अपन। सिखाओ बाबू को, मैं सिखाती हूँ, तुम इधर रह जाओ, अभी तुम इधर अरे आप खड़े हो ना, आप बोलो। हाँ दादा आ गए ना आप, अरे सादा आ गए हो, पीछे हो जाओ, अब ऐसा आपको करना, अरे यार बस वाह की वाह।
तीन चार बैठो नीचे बैठो। अच्छा हाँ। अब तो मैं थोड़ा बैठ जाऊंगा, अच्छा है ना। मैं अभी पिला इधर, मैंने मजा आ रहा है। कुछ नहीं मिलाते इन लोग, शीरिन तो बिल्कुल मानती नहीं है। मैं भी तो बंद करती हूँ कि एक महीने दूंगी, एक महीने नहीं। हाँ, तो उसी से मुताबा आ रहा, ओवरवेट जो बच्चे हो रहे हैं और ओवर एज भी दिखते हैं। 20 साल के होंगे 30 साल के दिखते हैं। और लोग कितना कम फिनिश कर लो। नहीं, न्यू क्लास में भैया ने फिनिश किया। ना थोड़ा तेज। क्या क्या यू
बताओ कैसा लगा राजा?